ये है बच्चों गिनिए और लिखिए। किस पे हैं हम? गिनिए और लिखिए ना, तो गिनिए और लिखिए। देखो ये हमारा एक बंडल बना है, तो एक बंडल 10 का है। क्या है? 10 का। तो 10 तब 10 इकाई जब मिलती है, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? एक दहाई बन जाता है। क्या बन जाता है? एक दहाई। तो एक दहाई जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं 10, क्या बोलते हैं? 10। तो 10 में 10 होते हैं, एक दहाई में 10 होते हैं। देखो इसमें 10 हैं भी, गिनोगे तो 10 आएंगे। देखो 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। और 10 में 1, 10 में जब हमारा मतलब एक दहाई में इकाई जोड़ेंगे, कितनी इकाई है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ठीक है, तो ये हो गया, इसमें आपकी 8 क्या जुड़ रही हैं? इकाई जुड़ रही हैं, ठीक है, 8 इकाई जोड़ रहे हो। तो 10 8 जोड़ोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 18 अर्थात 18 हो जाएगा ना। इसमें भी देखो, तो समझ गए ना ये, देखो इसको अच्छे से देख लो। हमारी 10 ये थी, 10 इकाइयाँ थी जिसका बंडल बना के एक इकाई बना दी गई थी ना, और फिर ये 8 इकाइयाँ थी। तो 10 और 8 ये 10 इकाइयाँ हो गई, अर्थात एक दहाई। 10 इकाइयाँ 8 इकाइयाँ जुड़ के कितनी हो गई? 18 ना। उसके बाद देखो ये इसमें कितनी है पत्ती? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी देखो एक दहाई समझो, ठीक है, दहाई है, 10 हैं। और 10 और ये कितनी है? 1, 2, 3। तो हमारी 10 प्लस 3 जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी? 13। कितनी हो जाएंगी? 13, ठीक है। या इसको कह दीजिए एक दहाई जुड़ गई। क्या जुड़ गई? एक दहाई और 3 इकाई। क्या जुड़ गई? 3 इकाई। जुड़ के कितना हो गया? 13 था 13। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 13। क्या लिख देंगे? 13। उसके बाद देखो ये है तुम्हारा, दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो उन्होंने 10 का फ्रेम ये हो गया, 10 का फ्रेम हो गया, और ये 4 भर दिया, ठीक है, तो 14 हो गई। ये 10 हैं और ये 4 हो गई, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 14 में रंग भरा है। ऐसे तुम्हारा ये 19 में रंग भरना है। देखो तो 10 का फ्रेम है ये, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसमें 10 है और इसमें 19 भरना है, मतलब 19 भरना है। तो इसमें से 10 ले लेंगे, इसमें से 9 ले लेंगे। कितने लेंगे इसमें? 9, 5 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 1 छूटेगा, तो सब में रंग भर देंगे। तो इसमें हमने रंग भर दिया, देखो 10 में भर दिया, तो ये पूरी एक दहाई हो गई। कित क्या हो गई? एक दहाई हो गई है, एक दहाई हो गई। दहाई में 10 होते हैं, ठीक है, 10 इकाइयाँ होती हैं, 10 इकाइयाँ, ठीक है, एक दहाई में। और इसमें से हम 9 ले लेंगे, कितने लेंगे? 9 इकाइयाँ लेंगे, 9 क्या हो जाएगा? 9 है? 9 ले लिया। देखो गिनोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गई 9। तो देखो अब 10 और 9 जुड़ के जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 19। क्या हो जाएगा? 19। तो ये हमारा 19 हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ 16 करना है, तो इसमें 10 तो ही है, ठीक है, तो इसमें हम कलर भर देंगे। 10 में कलर भर गया, 10 हमारा कलर भर गया, 10 हो गए, 10 इकाइयाँ। इसमें क्या हो गई? 10 इकाइयाँ हो गई, 10 इकाई, ठीक है, 10 इकाई हो गई। तब 1 हो गए 10 बार, ठीक है, और इसमें से 6 ले लेना है। कितना ले लेना है इसमें? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में कलर कर देंगे, ठीक है, ये 6 में हमने क्या कर दिया? 5 ऊपर हो गया, नीचे 1 हो गया, 6 में कलर हो गया, ये 6 इकाइयाँ हो गई, ठीक है। अब 6 दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 6 कितना हो गया हमारा? 16 अर्थात 16 हो गया, 16। तो हमारा 16 हो गया। देखो खाली स्थानों को क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2, फिर 3 है ही है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 6 लिखा ही है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 8 लिखा है यहाँ पर ना, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10। कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा, और 10 के बाद 11, फिर देखो 12 यहाँ पर लिखा ही है, फिर 12 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 के बाद 15 यहाँ पर लिखा है, 16 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा, और फिर ये 20 लिखा हुआ है। 1 हो गया,
और ये बच्चों 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और ये 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया और ये 9 10 11 12 हो गया, लिखा ही था 13 हो गया 14 हो गया, 15 पहले से था, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया और 19, फिर ये 20। तो हमारी 20 तक गिनती क्या हो गई पूरी। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।